वेलकम 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 भाई, आइए आइए। आज तो हम मतलब मैं कहती हूँ कि ये जो है ना, वो जो बारबी वाली चीज है, एक एक नकुश बाल, ये ऐसे लगता है इन लोगों को देख के बनाए गए हैं ना। वो पलकियां, वो पलके, पलके, हाइट, फिगर, बाल, सब कुछ। सो वही वाली बात है कि माशाल्लाह ये वो लोग हैं जो अपने आप से प्यार करती है और तभी इतना खूबसूरत रखती है, अपने आप को मेंटेन रखती है। माशाल्लाह, क्या बात है, सुबह हमारी बैठे बैठे। वही तो मैंने कहा कि मुंह नहीं लगाते मगर ऐसे अच्छी इज्जत होती तारीफ। अच्छा, आई थिंक प्यार सब करते हैं अपने आप से, बस कुछ ख्वातीन इतनी बिजी हो जाती हैं अपनी लाइफ में और वो कुछ समझ भी आता है लेकिन उसी सिलसिले में ना, उसी प्रोसेस में भूल जाती हैं कि उनको अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। पता है क्या, प्यार की नौइयत अलग अलग होती है। वो कभी खाने से प्यार ज़्यादा करने लगती हैं, ठीक है, वो कभी अपने घर से प्यार ज़्यादा करने लगती हैं। तो घर का, घर की क्या सजावट है, घर की क्या चीज़ है, खाने में क्या खाना है, वो सब हो जाता है लेकिन अपना आप जो है ना वो पीछे रह जाता है, स्पेशली बच्चों के बाद। तो फिर सारी जो पूरी उनकी जो वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड हो रही होती है वो बच्चों के ही इर्द गिर्द हो रही होती है, विच इज यू नो ऑब्वियसली ऐसा ही है। तुम लोग भी अपने बच्चों की केयर करते हो, देखा हमने फिजा को, जैसे इसका वो कहते हैं ना महवर होता है ना किसी का, तो वो फराल है, मतलब फराल के इर्द गिर्द इसकी दुनिया घूमती है, इसका पूरा यूनिवर्स फराल है, फराल, फराल, माशाल्लाह। अपनी बेटी की परवरिश और उसकी आप ब्रिंगिंग के लिए कि दोनों मिलके करें, तो ये एक मिसाल है। हमारे यहाँ नहीं, खवातीन वो तो फिर मुंह ही नहीं लगाती, नहीं मेरे साथ ये किया वो किया, मगर असल में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर कोई ऐसी झगड़े वाली बात अगर ना रखे तो बच्चों की जिंदगी फ्यूचर उनका बहुत अच्छा होता है। बच्चे अच्छी चीज देखते हैं और फिलहाल माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव है अपने अब्बू के साथ भी, मेरे साथ भी, और हम दोनों जब इसके बारे में बात करते हैं तो हम इसकी इसको सोचते हैं कि इसको बारबी कैसे बनाना है, इसकी लाइफ में ये अपनी बारबी, तभी कॉन्फिडेंस इसके अंदर होगा, कॉन्फिडेंट होगी तो बारबी बनेगी। जब घर टूट जाता है, दो लोग अलग अलग हो जाते हैं, आपको पता है बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। मेरी प्रायोरिटी में ये था कि फराल कभी सफर ना करे। मैं इतनी तुम पे प्राउड फील करती हूँ, इतना पॉजिटिव मैसेज है इसकी तरफ से कि अपनी बच्चे के खातिर बहुत सारी चीजें हमारी खवातीन बर्दाश्त करती है, ये नहीं कर पाती। ये इसका बहुत बड़ा दिल है, वैसे ही पता है शक्ल ही सिर्फ प्यारी नहीं है, दिल भी प्यारा है। तुम लोग बचपन में गुड़ियाओं से खेलते थे? ओह बहुत ज्यादा, मेरे पास तो एक ही होती थी, मुझे वही बारबी दी थी, उसका नाम हमने टीना रख दिया था। अच्छा, एक ही डॉल थी, आज तक मेरे पास जिंदगी में कोई डॉल नहीं आई। हाँ। और वो गाना भी गाती थी, उसके अंदर सीडी भी लगती थी, एक ही बारबी आई थी जिसके अंदर सीडी लगती होती थी। बाद में वो लाइट वाली बारबी आई थी जो अंधेरा बंद कर दो तो वो यू नो चमकना शुरू कर दे। बारबी की भी ना उसमें वैरायटी आई है, बाद में उसके घर बनना शुरू हुए, उसकी फैमिली, उसका मियां, उसके बच्चे, फिर ये वाली बारबियां आ गई। मगर जो पहले बारबी आती थी ना, वो आती थी वो सिंगिंग भी कर रही है, वो अपनी मतलब यू नो ऐसी सीडी भी लग जाती थी उसके अंदर। अच्छा, मुझे जो था ना बड़ा शौक था अपनी चीजों को संभाल के रखने का, आज तक है। हाँ। और नई चीज को खोलना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है मेरी चीजें ब्रांड न्यू पैक्ड रहे। तो आई रिमेम्बर मेरे पास दो बारबीज थी और दोनों पैक्ड मैं रखती थी, उनको दूर दूर से बाहर बाहर से देख के खुश होती थी कि ओ आई हैव दीस ब्यूटीफुल बारबीज। खेलती नहीं थी तुम उनसे? मैं बस हल्का सा निकाला उनको, उसके वो जो रैप्स होते हैं ना जिससे वो टाइट डाउन होती है, वो जो वायर होते हैं वो भी नहीं खोलती थी। आई रिमेम्बर उसका जो वो जो कार्डबोर्ड पे जो लगी हुई होती है उसी के साथ खेल के और वापस बॉक्स में रख के, और ये हाल था वापस सेल करना होती थी वो। नहीं, कलेक्शन बेचना बेचने का, वो तो बचपन में क्या आपको हमने सेकंड हैंड कलेक्टर्स आइटम, कोई बाहर जा रही थी फैमिली तो जाहिर है बाहर से मंगवाना जिस जमाने में हम बच्चे थे आसान नहीं होता था, तो हमने सेकंड हैंड बारबीज खरीदी थी। मुझे अच्छी से याद है कि कोई 6 बारबीज कोई फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही थी तो वो अपनी बारबीज बेच के गई थी, तो हमने सेकंड हैंड बारबीज 6 बारबीज खरीदी थी और उनके कपड़े थे, उनकी चीजें थी और बस जो एक्साइटमेंट थी। वैसे पता है गलत हुआ, हमें अपनी बारबीज अगर संभाल के रखते इस वक्त उनकी बहुत वैल्यू होती, अब बेच सकते थे हम, सोने के दाम बिकती। एब्सोल्युटली कलेक्टर्स आइटम थे वो, मैंने फिर अपनी नीसेस को पास डाउन किया। आपको पता है जब मेरी बहनों के बच्चे हुए तो वही पैक्ड
बारबीज मैंने फिर अपनी नीस को गिफ्ट की थी दो तीन। बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्रांड। अच्छा और तुम बताओ तुम खेलती थी? मेरे पास आई डोंट रिमेम्बर कितनी होती थी, मैं जब जाती थी बाहर मम्मी के साथ आई यूज्ड टू परचेस अनदर बारबी एंड उसके बाद फिर एक ब्रैक्स भी आई थी, दे वर इन। यस आई हैड ब्रैक्स मोर देन बारबीज। और मुझे लगता है कि जो पहले जमाने जो बारबीज का एक बड़ा ट्रेंड था आजकल के बच्चों में कम है, लाइक दे आर मोर इनटू टैब्स एंड फोन्स एंड गैजेट्स चाहिए। अभी भी जैसे आजकल के बच्चे हैं लाइक बारबी मूवी आई, दे आर नॉट दैट एक्साइटेड एज मच एज वी आर। हमारे टाइम में ज्यादा लोग एक्साइटेड थे, हम ज्यादा कनेक्ट कर सकते। एग्जैक्टली हमारे पास ज्यादा हमारे पास गैजेट्स नहीं थे ना, फोन नहीं था, आईपैड नहीं था, टीवी बारबी के लिए देते थे, तो ये सब चीजें हमने मैंने बाल बनाना, फ्रेंच चुटिया बनाना बारबी पे, कपड़े तो मैंने भी सीए, कपड़े सीना सीके, गुड़िया गुड्डी की शादी भी होती थी। एग्जैक्टली जैसे मेरे पास जो बारबी आई थी, अब पता नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता वो बारबी थी या बस अम्मी कहती थी वो बारबी है, तो हम तो मान लिया था कि बारबी है। मगर अम्मी जो घर पे गुड़िया कपड़ा रुई छुई और उसका मुंह बनाती थी, बाल लगाती थी उसको धागे के, वो जो ऊन वाले आते हैं जिसे एम्ब्रॉयडरी बुनते, उसके बाल लगा, तो वो गुड़िया जो अम्मी बनाती थी हम लोग तो उसके आदि थे। हम तो उसके साथ भी ऐसे पकड़ के कहीं चले जाते थे, अम्मी बिठा के कहती थी चुप करके खेलो, और हम लगे होते थे उसके साथ घंटों घंटों, अम्मी अपनी सहेलियों से बात कर रही होती थी, हम तो उन गुड़ियाओं में भी खुश थे, इसलिए हमने बारबी का एंजॉय किया। हमारी इमेजिनेशन कितनी ज्यादा थी, हम पूरी पूरी कहानियां बना लेते थे उन बारबीज को लेकर, गुड़िया गुड्डे की शादी, फिर लड़ाई झगड़े, फिर सब चीजें। आपको फर्स्ट बारबी किसने दी थी? मैंने बताया ना जो फैमिली जा रही थी, तो हमने सेकेंड हैंड उनसे चीजें खरीदी थी बारबी की, उसमें वो बारबी का सारा, वो यहाँ से पैकअप करके शिफ्ट हो रहे थे ना, तो अपने घर का सामान सारा बेचते हैं, तो और चीजें खरीदने के बजाय हम लोग उनके घर गए, हमने बारबीज और उनके कपड़े और एक एक चीज तरह, मैं बता रही हूँ ना, इतना आम नहीं था पाकिस्तान में उस वक्त बारबी, तो हमने वहां से फिर बारबी जो है वो ली। उसके बाद जब मेरी बेटी हुई तो मैं, हम जब भी बाहर जाए मैं उसके लिए बारबी खरीदूं, लेकिन वो मुझे शौक ज्यादा था, मेरी बेटी को गुड़ियाओं से खेलने का शौक नहीं था। मैंने कहा यार 13-14 पता नहीं कितनी कितनी जमा हो गई है, वो खेलती ही नहीं है, फिर मैंने खरीदना छोड़। और एक जमाने में तो ऐसा भी लगता था कि कभी जिंदगी नहीं भरेगा दिल इनसे, मुझे लगता था जिंदगी भर बारबी से खेल के बड़े होने तक। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, बट अब जाहिर से द टाइम अभी तक है तुम्हारे पास? आई अच्छी कंडीशन में है मेरी, एक एक बारबी से के आई, मैंने तो किसी को दे दी के कोई और खेल ले, तो मैंने कहा भाई कोई खेलता नहीं है तो मैं किसी और के बच्चे खेल लेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है जैसे कि आपने कहा कि बारबी का और डॉल्स का थोड़ा शौक खत्म हो गया था बच्चों को, अब जो ये दोबारा ट्रेंड आया है तो आई थिंक अब ये रिवाइव होगा दोबारा से बच्चे, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स बेटर देन कैट, बेटर देन कैट। वही वाली बात कि आपकी इमेजिनेशन तो फिर एटलीस्ट आप यूज तो करते हैं, वरना तो आप टैब्स पे बस बैठे हुए हैं एंड यू जस्ट स्पेंडिंग योर आवर्स एंड आवर्स प्लेइंग गेम्स। एग्जैक्टली।